हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाने वाली हूँ। शीघ्रपतन क्या होता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर शीघ्रपतन होता क्यों है। आज के समय में बहुत सारे लोग शीघ्रपतन की समस्या से जूझ रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर उनको शीघ्रपतन क्यों हो जा रहा है, किस कारण से हो जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल समझाऊंगी कि आखिर शीघ्रपतन के क्या कारण है, किन कारणों से आपको शीघ्रपतन की समस्या हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले वो कारण जानते हैं आखिर किन कारण की वजह से आपको शीघ्रपतन की समस्या हो रही है। और जिन लोगों को नहीं पता कि शीघ्रपतन क्या होता है, तो इंटरकोर्स के दौरान अगर विद इन 60 सेकंड्स आप इजैकुलेट कर देते हो, आपका सीमेन बाहर जाता है, तो उसे हम शीघ्रपतन की समस्या कहते हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो कारण क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला कारण मनोवैज्ञानिक कारण है, जो कि लोग बिलीव ही नहीं करते। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं मुझे कोई इंटरनल प्रॉब्लम ही होगी, कोई बीमारी ही होगी, इसीलिए मुझे शीघ्रपतन हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारण से भी आपको शीघ्रपतन की समस्या हो सकती है। वो कौन कौन से कारण है? सबसे पहला मानसिक तनाव। अगर आप किसी तरीके से तनाव से परेशान हो, तनाव से पीड़ित हो, तो उस टाइम पे भी आपको शीघ्रपतन की समस्या हो सकती है। और इसमें बिल्कुल भी हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बात बिल्कुल 110% बिल्कुल सच है। आगे लिखा हुआ है, रिश्तों में संबंधित समस्याएं, कि जो कपल होते हैं उनके बीच में भी कभी कभी कुछ परेशानी होती है, कुछ दिक्कतें होती हैं, उनके बीच में भी कुछ तनाव चलता है, जिस कारण से भी आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आगे लिखा हुआ है, शीघ्रपतन को लेकर चिंता। बहुत सारे लोगों को शीघ्रपतन होता ही नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, मुझे शीघ्रपतन हो रहा है, और वो चिंता कर करके उनका क्या हो जाता है, शीघ्रपतन हो जाता है, जबकि एक्चुअल उनको था नहीं, बट क्योंकि सोचा है आपने उसके बारे में, इतना स्ट्रेस लिया है कि आपको शीघ्रपतन हो गया है। आगे बात करते हैं कि बायोलॉजिकल कारण, कि मनोविज्ञानिक कारण तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं, जिसमें शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का असंतुलन। कौन से हार्मोन का? आपके टेस्टोस्टेरोन, जिसको पुरुषों का सेक्स हार्मोन कहा जाता है, अगर वो हार्मोन आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है, असंतुलित है, तो उस कारण से भी आपको शीघ्रपतन की समस्या हो सकती है। आगे लिखा हुआ है कि मूत्र मार्ग या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में संक्रमण, किसी तरीके का इन्फेक्शन आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि में, आपके मूत्र मार्ग में, तो उस कारण से भी आपको शीघ्रपतन की समस्या हो सकती है। आगे लिखा हुआ है अनुवांशिकता, कि अगर ये हो सकता है आप में हेरिडिटी हो, आप में आया हो, तो अनुवांशिकता कारण से भी क्या हो सकता है, आपको शीघ्रपतन की समस्या हो सकती है। सर्जरी, किसी तरीके आपने सर्जरी करा रखी है, बहुत सारे लोग वैसेक्टॉमी वगैरह कराते हैं, पुरुषों की नसबंदी कराते हैं, या फिर किसी भी तरीके की सर्जरी आप कराते हो, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, या फिर उससे रिलेटेड टेस्टिकल्स वगैरह कहीं पे भी, तो उस कारण से आपको क्या होता है, शीघ्रपतन की समस्या हो जाती है। अत्यधिक मास्टरबेशन के कारण से भी शीघ्रपतन की समस्या होती है, या आपके बायोलॉजिकल कारण है। तो मैंने आपको बताया मनोवैज्ञानिक कारण और बायोलॉजिकल कारण। अन्य कारण भी हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा शराब का सेवन करते हो, बहुत ही नशीली पदार्थ का सेवन करते हो, तो ऐसा नहीं कि अगर आप शराब का सेवन करते हो, बहुत धूम्रपान करते हो, तो आपको सिर्फ शीघ्रपतन ही होगा। बहुत सारी समस्या होती हैं, आपका स्पर्म काउंट बहुत ही गिर जाता है, आपका शीघ्रपतन की आपको समस्या हो सकती है, आपके स्पर्म का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोटिलिटी सब कुछ खत्म हो जाता है। और भी बस स्पर्म की बात थोड़ी है, आपका किडनी, आपका हार्ट, आपका लीवर सब कुछ डैमेज होता है। तो शराब, सिगरेट, धूम्रपान, इन सबको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हल्का सा भी उनका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो शराब, सिगरेट तो अब छोड़ देना चाहिए, अगर आप पीते भी हो, कंजम्पशन करते भी हो, तो ये समझ लो आज से ही आप छोड़ दोगे, तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आगे लिखा हुआ है, धूम्रपान अगर आप करते हो, एंटीबायोटिक, आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर जंक फूड इन सबको खाते हो, इसके अलावा भी है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, लाइफस्टाइल बहुत बेकार है, तो इन सभी कारणों से शीघ्रपतन की समस्या हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल समझा दिया कि किन किन कारणों से आपको शीघ्रपतन की समस्या होती है। अगर आप इन अपने सभी कारणों को सुधार लोगे, तो आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि अगर आपको शीघ्रपतन की समस्या है, तो किस तरीके से आप उसको रोक सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।